राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी राजस्थानतक.com पर। अलवर जिले के बहरोड जिला अस्पताल में हिस्ट्री शीटर हार्डकोर 25,000 के इनामी बदमाश विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग के मामले में अब पुलिस अलर्ट हो गई है। बहरोड थाने में हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए हैं। बहरोड थाने की छत पर हथियारों के साथ लैस होकर पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं। कहीं पपला गुर्जर की तरह लादेन गैंग के बदमाश थाने से उसे छुड़ा कर न ले जाएं। इसके अलावा लादेन की जसराम गैंग और पपला गुर्जर से दुश्मनी है। जसराम और पपला गैंग के बदमाश आकर थाने में हमला कर सकते हैं, इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। बहरोड थाने की छत पर हथियारबंद जवान गश्त कर रहे हैं। लादेन को मारने के लिए जसराम गैंग के बदमाशों ने अस्पताल में फायरिंग की थी, लेकिन गनीमत ये रही कि लादेन बच गया। बहरोड थाने में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। लादेन गैंग की ओर से गैंगस्टर जसराम गुर्जर की गोली मारकर हत्या करवाई गई थी। इसके बाद से ही जसराम गैंग लादेन गुर्जर की हत्या की फिराक में घूम रहा है। कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर भी जसराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए लादेन की हत्या करने के लिए आया था, तब बहरोड पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। जसराम गुर्जर बहरोड थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है, उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बहरोड में जसराम गुर्जर गैंग सक्रिय है। जसराम गुर्जर की लादेन गैंग की ओर से उसके घर के बाहर जैनपुर बांस गांव में ही हत्या कर दी गई थी। जसराम गुर्जर की हत्या के बाद से ही जसराम गुर्जर गैंग के गुर्गे दिन रात लादेन की तलाश में हैं। कई बार गैंगवार हुआ है, लेकिन बहरोड पुलिस लादेन को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब जयपुर पुलिस ने लादेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद बहरोड पुलिस लादेन को जयपुर से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई थी। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।